नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। सभी किसान मित्रों, सुबह की राम राम। यहां पर सूरज की किरणें भी नहीं आई है और मैं दलोदा मंडी पहुंच चुका हूं, क्योंकि यहां पर ऊंटी बिजवारा लहसुन का भाव यहां से हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी किसान मित्रों के लिए जो ऊंटी लहसुन के शौकीन है, ऊंटी लहसुन के बीज बोने की जिनकी बड़ी तमन्ना थी, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज निकलकर सामने आ रही है। किसान मित्रों, भाव में भारी कमी। जी हां किसान मित्रों, 10,000 रुपए से लगाकर 12,000 रुपए तक की कमी आज के ऊंटी बिजवारा लहसुन भाव में हमें देखने को मिली है। तो ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है किसान मित्रों। इस बात को लेकर ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हम आपको सभी प्रकार की क्वालिटी के अनुसार लहसुन भाव की जानकारी बताएंगे, ऊंटी बिजू लहसुन के भाव की और तमाम प्रकार की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों शेयर जरूर करिएगा। तो किसान मित्रों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर श्री द्वारकाधीश गार्लिक, जो कि पानी की टंकी के पास में है और 29 नंबर दुकान है कृषि उपज मंडी दलोदा। और देख सकते हैं आज तो अच्छा खासा माल आया हुआ यहाँ पर लग रहा है और तमाम प्रकार की वैरायटियों के भाव हमको जानने को मिल जाएंगे। तो साथ ही तमाम प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल जी धाकड़ सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर और नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी सर। आज सबसे पहले तो काफी ज्यादा मुझे स्टॉक देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार आया था मैं मात्र एक दो वैरायटी को ही ले पाया। सबसे पहले तो जो किसानों के मन में इस बार है कि भाव में क्या देखने को मिला है डिफरेंस? भाव पिछली बार से 10-11 हजार 12 हजार रुपए कम है। अरे वो 60 हजार रुपए तक बिक रहा था, 59 हजार तक बिक रहा था जी, वो अभी 47-48 हजार के अंदर बिक रहा है। मतलब भाव में भारी कमी, भारी कमी है। वाह यार, तो किसान मित्रों आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को बड़ा ही इंतजार था इसी चीज का कि कहीं ना कहीं लहसुन ऊंटी बिजवारा लहसुन के भाव में कमी आएगी और हम इसको अच्छे से परचेस कर पाएंगे और एक खेती का थोड़ा सा बजट सही से बन पाएगा, तो ये एक अच्छी खुशखबरी आज निकल कर आई है। सर, अपन क्वालिटी के अनुसार भाव तो जानेंगे ही सही, पर एक कमेंट काफी ज्यादा मेरे आ रहा था कि जैसे कि अगर अपन बीज लेते हैं तो उसे कितने दिन तक सुखाना चाहिए, धूप में या छाव में, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आप निकाल दे। शिवराज जी, छोटी सी बात है कि बीज अगर आपको अर्ली स्टेज में शुरुआत में सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में अगर आपको लगाना है तो आपको ले लेना चाहिए। नॉर्मल सी बात यह है कि जितना आप जितने दिन आप सुखाएंगे उतना जल्दी उगेगा। अच्छा, आप तुरंत बीज लेंगे और तुरंत लगाएंगे तो उसका जो काउंट डाउन होता है ना वो एक महीने के आसपास का हो जाता है, एक महीने में आगे पीछे उगती है जी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली, आपको सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा आप सुखाएंगे, ये ताजी कटी हुई लेटेस्ट अभी रिसेंटली हार्वेस्ट हुई लहसुन है जी जी, उसमें क्या समस्या रहती है, अंकुरण होने में समय लगता है। तो जिस दिन से आपने माल खरीद लिया उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है जी। आपका यहाँ से उगने की जो शुरुआत है, आप अगर ये समझिए कि आप 1 सितंबर को आपको लहसुन लगाना है जी, 15 अगस्त के आसपास खरीद रहे तो आपने केवल 15 दिन सुखाई है। अच्छा, तो कोशिश करें अगर आपके यहाँ पे धूप निकल रही है तो धूप में सुखाए, अन्यथा छांव है ही, सुखाना तो आपको पड़ेगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं हम क्वालिटी के अनुसार लहसुन के भाव, तो सबसे पहले तो कम से कम क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। हाँ। उसके अलावा आपको जैसा उचित लगे जी। कम से कम हमारे पास 24,000 की क्वालिटी है जी, 24,000 में आपको मिल जाएगा और मैक्स टू मैक्स हमारे पास 48,000 रुपए का जो फुल गोला साइज का माल है, सामने आप देख पा रहे होंगे जी, 48,000 रुपए का। तो आइए किसान मित्रों देख लेते हैं, 48,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि ये लहसुन लगभग मुझे लगता है 56-57 हजार के करीब था, आज 48,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल रहा है। साइज की भी अगर अपन बात करेंगे, पूना लड्डू लड्डू इसमें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और थोड़ा सा मुझे सूखा हुआ भी देखने को मिल रहा है जी। कपिल भैया, इसके अगर अपन जाते हैं इससे कम रेंज में तो ये आपको 39,000 में मिल जाएगा। तो किसान मित्रों ये देख सकते हैं, मीडियम पूना लड्डू मिक्स एक लहसुन का लोट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भी सूखा हुआ है देखने को मिल रहा है हल्का सा, जो कि 39,000 रुपए प्रति क्विंटल में आपको ये लहसुन देखने को मिल जाएगा। और 42,000 रुपए क्विंटल का है। थोड़ा सा ये देखिए, ऐसे पूना लड्डू साइज थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में है, हालांकि मीडियम भी है और ये भी थोड़ा सा सूखा हुआ ही माल है। 42,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको ये लोट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि देख ही सकते हैं ये ऊंटी लहसुन है किसान मित्रों, बिज्जू के लिए काफी। हाँ जी कपिल भैया। हाँ भैया। इसके अलावा ये सब लगभग 40-42 हजार की रेंज के सारे माल है जी, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं, बस ऊंचा वाला लॉट तो केवल 48,000 का है जी, और जी साथ में 46,000 का पड़ा है जी, और ये 31-32 हजार के भी लॉट है, 31-32 हजार के भी है उधर, 31-32 हजार के है। अच्छा, वो भूंगी मीडियम लग रहा है, 35,000 का पूरी लाइन जो है 35-36 हजार की। तो किसान मित्रों आइए जान लेते हैं 35,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर लहसुन का भाव है, जो कि मीडियम साइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, देख ही पा रहे हों
जैसा कि आपको मीडियम साइज काफी ज्यादा देखने को मिले, हल्की फुल्की ये देख सकते हैं, छोटी जो साइज है मिक्स तो देखने को मिल रही है पर मीडियम रेंज है और 35,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसा कि अपन देख लेते हैं बिल्कुल जो भुंगी साइज है किसान मित्रों, जिसमें अपन देखते हैं, देखिए अब ये आराम से थोड़े कम क्वांटिटी में ही कटे हैं, पर एक दुकानदार होता है तो सभी किसानों की डिमांड के हिसाब से माल को रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के किसान आते हैं। तो देख सकते हैं पर अभी ये भुंगी है, पुड़ी है, हल्का फुल्का छर्री इसमें देखने को मिलेगा। ये 25,000-26,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको आज की तारीख में ये माल देखने को मिल रहा है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताई है इसमें भुंगी, पुड़ी, छर्री आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, हल्का सा गीला माल भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पर और देख लेते हैं एक लाइन और यहाँ पर ये है कबील भैया, ये क्या रेंज का है? ये देख सकते हैं आप 28,000 रुपये है, जिसमें आपको छर्री मीडियम मिक्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा किसान मित्रों, यानी कि भाव में भारी कमी है किसान मित्रों। ये एक अच्छी खबर अपने सबके लिए है, क्योंकि काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से जो किसान मित्र मंडी में मिल रहे थे वो भी बड़ा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि शिवराज जी क्या इस भाव में तो लहसुन को लगाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भाव में कमी आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा बजट भी हो जाएगा और जब फसल लगाएंगे थोड़ी सी रिस्क कम हो जाएगी, ये चीज़ थी। और देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी, एक और किसान मित्रों आपको ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि देख ही सकते हैं यहाँ पर पूना लड्डू साइज में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हल्का फुल्का मीडियम भी मिक्स इसमें देखने को मिल रहा है, पर थोड़ा सा ये सूखा हुआ है, इन लोड की वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा सूखा हुआ है, जो कि 43,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको ये ऊँटी बीजू लहसुन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और किसान मित्रों मुझे लगता है लगभग जितने भी प्रकार की वैरायटियां आज यहाँ पर आई थी, जो कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोड यहाँ पर देखने को मिले हैं, तमाम प्रकार की क्वालिटी के अनुसार मैंने आपको भाव बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसके अलावा कपिल भैया से और चर्चा कर लेते हैं। जी कपिल भैया, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं आपके पास सभी प्रकार की वैरायटियां हैं इस बार, हमने सभी प्रकार की वैरायटी मंगाई, क्योंकि एक जरूरी भी है अगर आपने शॉप लगाई है तो यहाँ पर सभी प्रकार के ग्राहक आएंगे, सभी प्रकार ग्राहक को मैनेज करना अपना, इसीलिए सभी प्रकार का माल हमने मंगाया, बेस्ट बिल्कुल भी है, मीडियम भी है और छर्री भी है जी माल। अब यहाँ पर भुंगी पुड़ी साइज का जो लहसुन है इसको किसान कैसे लगाएगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब यार जिसको सस्ता चाहिए उसके लिए सस्ता अवेलेबल है, बस उनको ये एक टोर उतारना बजट में, तो बजट में वो अवेलेबल जी, सीट के लिए तो आ रहा है, बिकने के लिए आ रहा है, बिकता भी है, लेके भी जाते लोग जी। तो इसमें जैसे कि कौन सी साइज का लहसुन लगाना एक मेरे हिसाब से बेहतर है, मीडियम साइज बेस्ट है, मीडियम साइज भी लगाने के लिए मीडियम साइज बेस्ट है, बहुत बड़ा अगर आप लगा रहे हैं तो मल्च वगैरह में लगाते हैं बेस्ट बाद में, तो बेटर रहता है, बट लगा सकते हैं क्योंकि बड़ा माल जो होता है ना वो बड़ा के हिसाब से ही होता है जी। अगर नॉर्मली अगर गर्मी आ गई तो थोड़ा स्ट्रेस झेलने की क्षमता उसके अंदर होती है बीज के अंदर जी जी, क्योंकि बीज में अगर दम रहेगा तो वो स्ट्रेस वगैरह झेल लेगा, बिल्कुल सही बात है। और जैसे ये ऊँटी लहसुन है, ऊँटी तो एक क्षेत्र का विशेष का नाम है, तो इसी बीज की अगर हम बात करें बीज का क्या नाम हो सकता है? बीज का नाम ही ऊँटी है, बीज का नाम ही ऊँटी, जैसे रियावन सिल्वर है और गांव से आता है रियावन। और कपिल भैया काफी ज्यादा कमेंट अब आने लगे हैं, क्योंकि अब किसानों में थोड़ा सा बीज लेने का भी क्रेज बढ़ चुका है, मंडियों में काफी किसान मित्र आने लगे हैं बीज के लिए, रियान सिल्वर लहसुन का बीज भी किसान मित्रों को चाहिए। हाँ, तो मेरे पास रियान सिल्वर का जो सीड है बस थोड़ा ही बचा हुआ है, 20-22 कट्टे बस मेरे पास है, बाकी अच्छा। सारा किसान मित्रों को मैं सेल कर चुका हूँ जी, तो लगभग वो भी एंड है, छोटा वाला मेरे पास नहीं बचा हुआ है, बस बड़ा वाला बचा हुआ है जी, और सारा मैंने 400 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सेल किया है। तो किसान मित्रों मैंने जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे इन पर आप संपर्क करके ऊँटी बीज वाला लहसुन तो आप परचेस कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी जो बिज्जू लहसुन है उसके लिए, जो रियान सिल्वर लहसुन है उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आपके पास तो कम कट्टे ही बचे हैं, इसके अलावा जैसे कि आपके चीत परिचित काफी ज्यादा पर्सन है, जेन्युइन सीड अगर आपको चाहिए तो मेरे पास है, मेरे कुछ परिचित लोग हैं जिनसे मैं आपको दिला दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन सीड आपको मिलेगा, आप मेरे नंबर है इसके उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8989593423 और इस पे आप कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन सीड दिलाऊंगा। जैसा कि किसान मित्रों एक चीज और यहाँ की अच्छी बात है, जैसा कि काफी ज्यादा बीज के बारे में जानकारी जानी है, और कपिल भैया जैसा कि अगर आप जान रहे होंगे पिछले 2-2.5 सालों से कृषि जानकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लहसुन के बारे में जिसकी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो जानकारी है आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो एक अच्छा फायदा आपको ये हो जाएगा अगर आप ऐसे ऊँटी लहसुन लेंगे, बिज्जू लहसुन लेंगे, तो
तमाम प्रकार की जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, सारी जानकारी हम आपको देंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है कृषि जानकार ऊटी किसान के नाम से, उसमें हम आपको ज्वाइन कराते हैं जी। और ज्वाइन कराने के बाद में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। बीज में अगर आपको कोई समस्या है, इसके अलावा खेत में कोई कीड़े वगैरह लग रहे, फंगस वगैरह, तो हम आपका जो 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारे उसमें रहता है जी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो सर जैसे कि कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे और यहाँ अपने दौलतधाम आना चाहे तो उसको एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये है पानी की टंकी के पास में ऊपर की ओर 29 नंबर दुकान है, श्री द्वारिकाधीश गार्लिक के नाम से। अगर आप फर्म ढूंढ रहे हैं तो मनीष ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आपको फर्म मिलेगी जी, और यहाँ पर 29 नंबर दुकान है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कबील भैया, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान मित्रों को उपलब्ध करवाई है। कैसी लगी ये जानकारी किसान मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।